हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम लॉ मीन्स जीएसटी एंड कस्टम लॉ की बुक की सीरीज़ को। आज इसमें हम अपना फिफ्थ चैप्टर जो है वो कवर करेंगे। इससे पहले के जो प्रीवियस चैप्टर हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके वॉचआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो बुक है ये बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर सिक्स के बच्चों के लिए है जो कि कॉमर्स के बच्चे हैं। और अगर किसी को भी इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं तो मिनिमम अमाउंट पे करके आप नोट्स की सॉफ्ट कॉपी बाय कर सकते हो। जिनको नोट्स परचेज करने हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, और जो स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे कि सर हमें नोट्स चाहिए। ठीक है, तो जो लेना चाहते हैं जो जेन्युइन बच्चे हैं वो मैसेज करके सॉफ्ट कॉपी बाय कर सकते हैं। नोट्स में सारी चीज़ें होंगी, ईजिली हर चीज़ अंडरस्टैंडिंग होगा, छोटे कॉन्सेप्ट होंगे और सारे चैप्टर्स कवर्ड होंगे शॉर्ट में। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं, आज हमारा जो चैप्टर नंबर है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 कहने का है बट हमारी सीक्वेंस के हिसाब से चैप्टर नंबर ये 6 है। ठीक है, क्योंकि हमने शुरू का एक यूनिट 1 भी इसमें इंक्लूड करवाया, इसलिए तो चैप्टर नंबर 6 हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 वैल्यू ऑफ सप्लाई को। वैल्यू ऑफ सप्लाई रीडिंग करने से पहले हम जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर समझने वाले हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पहला पॉइंट ये वाला डिस्कस करेंगे, सेकंड हम ये, थर्ड एंड फोर्थ। ये चार पॉइंट है जो हम इस चैप्टर के अंदर ब्रीफली अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है चैप्टर का जो नाम है वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, आपको पहले वर्ड समझना पड़ेगा सप्लाई मीन्स होता क्या है। सप्लाई दो चीज़ों में होती है, सप्लाई होती है या तो गुड्स में या तो सप्लाई होती है सर्विसेज में। गुड्स में सप्लाई करते हैं जिसमें कोई भी रॉ मटेरियल या कोई भी फिजिकल वर्क वाला सामान आता है, और सप्लाई में सर्विसेज जो होती हैं, सर्विसेज के अंदर कोई भी फिजिकल या नॉन फिजिकल मतलब कि टचेबल या नॉन टचेबल तरह की सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। अगर हम सप्लाई कर रहे हैं, चाहे हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किसी गुड्स को भेजें या सर्विस को भेजें, तो ये जो भेजने की प्रोसेस है इसको हम सप्लाई नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सप्लाई। और इसी सप्लाई के ऊपर हम लगाते हैं टैक्सेस, मतलब कि चार्ज लगाते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो वो होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर है? आगे लिखा है यहाँ पे, थस इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू नो हाउ टू अराइव एट द वैल्यू ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी टैक्स हम पे करते हैं उन पे उसकी वैल्यू कितनी लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप नीचे पढ़ोगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई सेट आउट द मैकेनिज्म टू कंप्यूट सच वैल्यू बेसिस विच CGST, SGST एंड UTGST। इसमें लिखा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर कुछ वैल्यू बेसिस कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें CGST, SGST एंड UTGST शामिल होता है। इसके अंदर IGST भी शामिल होता है जिसको हम इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं, और SGST, UGST को इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। ये मैंने दोनों पॉइंट अपने सेकंड लेक्चर में कवर किए थे, जिसमें मैंने 35 से 40 मिनट्स की वीडियो में कवर किए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पे दोनों में कंपैरिजन मिल जाएगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, इंटर स्टेट क्या है, इंट्रा स्टेट क्या होता है। ठीक है, ओके, तो नीचे चलते हैं। नीचे अब हमें कॉन्सेप्ट में सबसे पहले लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 15, आपको ऊपर भी दिख जाएगा ये रहा सेक्शन नंबर 15। तो सेक्शन नंबर 15 में क्या ऐसा लिखा है जो बार बार आ रहा है, तो पहले इसको पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 15 ऑफ द CGST एक्ट प्रोवाइड कॉमन प्रोविजन फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेक्शन नंबर 15 में एक CGST एक्ट है जो डिटरमाइन करने में मदद करता है कि कौन सी सप्लाई गुड्स है, कौन सी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, अब ना सेक्शन नंबर 15 को कुछ सब सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। सब सेक्शंस में उस चीज़ को डिवाइड किया जाता है जब कंपैरिजन करना किसी चीज़ को मुश्किल होता है, तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 15 को डिवाइड किया गया है। नीचे हम पढ़ेंगे विच इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 15.1 मतलब 15.1 व्हेन वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 क्लॉज 1। ठीक है, 15 क्लॉज 1 है नीचे आपको दिया हुआ रहेगा, तो वो पढ़ेंगे थोड़ी देर में। अभी सेक्शन नंबर 15 में लिखा है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई।
टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या होता है, अगर आपने गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजा या एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजा, तो इस पर जो अराइव ये जा रहा है ना, अराइव कर रहा है, इसको बोलते हैं अराइव, अराइव जो कर रहा है, सप्लाई जो हमारी हो रही है, इस अराइव के ऊपर टैक्स जो लगता है उसको टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ शैल बी ट्रांजेक्शनल वैल्यू, ये इनकी ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है, विच इज़ द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल ऑफ द सेड सप्लाई गुड्स और सर्विसेज, वो पैसा जो एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर किसी भी गुड्स को या सर्विस को लगाया जा रहा है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स। आगे लिखा है, वेयर द सप्लायर एंड द रिसिपियंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड एट द प्राइस, कोई भी सप्लायर और रिसिपियंट जो है वो इस सप्लाई के प्राइस से रिलेटेड नहीं होता, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन ऑफ फॉर ए सप्लाई, जो प्राइस है ना ये एक अलग ही फैक्टर होता है, ना तो ये सप्लायर है ना ये कोई रिसिपियंट में से जाता है, ये अलग ही फैक्टर है, मतलब जितना डिस्टेंस कवर किया है उसका पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड्स, अब इस सप्लाई के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं, तो सबसे पहले लिखा है एनी टैक्सेस ड्यूटीज सेस फीस चार्जेस लिविड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बींग्स इन फोर्स दैन अदर दैन द एक्ट, इस एक्ट के अलग और भी जो एक्ट होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे, और जो इस एक्ट में आ रहे हैं जिसमें कोई भी टैक्स हो सकता है, ड्यूटीज सेस फीस या चार्जेस या लिविड किसी भी तरह का लगाया गया है, तो वो सारी चीज़ें इसमें पे करनी पड़ती है। आगे लिखा है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एट, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज बोला है इन्होंने, गुड्स एंड सर्विस नहीं बोला है, स्टेट वर्ड लगा दिया, स्टेट मतलब जब यहाँ पर इंट्रा स्टेट की बात हो रही है, मतलब कि CGST और SGST लगेगा इस जगह, ठीक है, यूनियन टेरिटरी लगा दिया तो UN लगेगा वहाँ पे, यूनियन टेरिटरी का टैक्स, ऐसे ही सर्विस टैक्स और गुड टैक्स जो है जो भी इस पर बनता है वो आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा, इसमें इसमें और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होती हैं, दूसरा, सप्लायर इज लाइबल टू पे इन रिलेशन टू सप्लाई सच सप्लाई विच नॉट हैज़ बीन इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट, वो भी सप्लाई जो किसी रिसिपिएंट द्वारा नहीं करी गई, कोई भी रिसिपिएंट सप्लाई को नहीं चाह रहा फिर भी सप्लायर उसको अगर भेज रहा है, तो सप्लायर जो है इस केस में अपनी सप्लाई पर जो टैक्स लगेगा वो भरने के जिम्मेवार होगा। ठीक है, आगे लिखा है Not include in the price actually paid or payable for the goods and services both, कोई भी price जो actual में payable हो चुका है वो इसमें शामिल नहीं होता। तीसरा केस, और क्या शामिल होगा, incidental expenses, कोई भी तरह का incidental expense, मतलब कि अगर कोई रास्ते में ले जाते समय सामान चोरी हो जाता है, दुर्घटनावश कुछ खराब हो जाता है, तो वो incidental expenses, इंक्लूडिंग कमीशन और पैकेजिंग, पैकेजिंग मतलब होता है पैकेज करना, कमीशन वगैरह होता है मतलब होता है हफ्ता वगैरह उस पर अगर आपने कोई दिया है, कोई भी इस तरह का एडिशनल चार्ज जो दिया है वो आपका कमीशन वगैरह में आ जाएगा, या फिर कोई भी चार्ज बाय द सप्लायर टू द रिसिपियंट फॉर ए सप्लाई ऑफ एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज बोथ एट ए टाइम ऑफ और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर वो कोई भी तरह का चार्ज जो सप्लायर ने अपने रिसिपिएंट से चार्ज किया है सप्लाई मंगवाते समय, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो या फिर वो किसी भी कीमत पर हो या किसी भी टाइम पर हो, चाहे डिलीवरी के बाद क्यों ना चार्ज किया हो, वो सारी चीज़ें इस सप्लाई में इंक्लूड होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर डी, इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑफ फॉर एनी सप्लाई, किसी भी तरह की सप्लाई के लिए कोई भी डिले पेमेंट या कोई भी कंसिडरेशन जो है वो अगर पे करी गई है तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड होगा। पॉइंट नंबर ई है सब्सिडी है, अगर कोई डायरेक्टली सब्सिडरी मिली है प्राइस, जिसमें से एक्सक्लूड कर दी जाती है सब्सिडरी को, गवर्नमेंट जो देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कुछ चीज़ों पर सब्सिडी देती है, सब्सिडरी मतलब होता है छूट देती है, जैसे गैस सिलेंडर पे कुछ सब्सिडी आती है, ठीक है वो चीज़। तो अभी हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में दिया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, ये जो एक्ट है 15 सेक्शन कौन सा है,
15 याद रखना, सप्लाई का सेक्शन है 15। इस सेशन के अंदर क्या चीज़ जो है वो इसमें पर्पस के तौर पर जो यूज़ करी है वो इसका पर्पस क्या है बेसिकली। पहला पर्पस है पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन। एक पर्सन एक रिलेटेड पर्सन को कोई भी गुड्स एंड सर्विस सप्लाई कर सकता है। दूसरा सच पर्सन आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ एनी अदर बिजनेसेस। हो सकता है वो पर्सन कोई भी दूसरी कंपनी या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर या ऑफिसर हो सकता है। तीसरा सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन ए बिजनेस। वो पर्सन किसी भी फर्म का या बिजनेस का हिस्सा होना चाहिए, एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर होना चाहिए। अब ये रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पार्टनर कोई भी जैसे बिजनेस है, बिजनेस में जैसे ए बी सी तीन पर्सन काम कर रहे हैं, तीनों की बराबरी वोटिंग हो, तीनों की ही सहमति ज़रूरी हो, अगर ऐसा है तो वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर होते हैं। मतलब तीनों को मिलकर अगर कोई भी डिसीजन लेना है, कोई ऐसा नहीं है किसी का पैसा कम लगा है या किसी ने कम पैसा दिया है बिजनेस में तो इसीलिए उसके पार्टनरशिप में हिस्सा कम होगा, बराबर इक्वल के जो पार्टनर है वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर। आगे लिखा है सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। कोई भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई इसमें हो सकता है। एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन्स कंट्रोल होल्डिंग इन्वेस्टमेंट। कोई भी ऐसा पर्सन जो 25% के इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रखे बैठा है, कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टनर हो सकता है। अगला पॉइंट है वन ऑफ देम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर्स। एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं मगर चाहे वो डायरेक्टली रूप से हो चाहे वो इनडायरेक्टली रूप से हो। Both of them are directly or indirectly controlled by third person. दोनों ही जो supplier और recipient है एक तरह से वो दोनों ही company के किसी third person की ऊपर काम कर रहे हो, मतलब third person जो है उसे काम करा रहा हो, ठीक है। Together they directly indirectly controlled a third person. दोनों ही third person के द्वारा रखे गए हों। They are members of same family. Same family members होने जरूरी होते हैं। आगे लिखा है द पर्सन आर ऑल्सो इंक्लूड्स लीगल पर्सन। वो जो पर्सन है द टर्म पर्सन वर्ड जो है पर्सन ये एक लीगल पर्सन होना चाहिए। लीगल मतलब होता है जो गवर्नमेंट की नज़रों में एकदम साफ हो, लीगल हो, ठीक है, जिसने कोई भी अवैध काम ना करा हो, ऐसा लीगल पर्सन। लिखा है आगे सप्लाई सेशन 15-1। सेशन 15-1 को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ साथ ट्रांजैक्शन वैल्यू भी बोलते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलो या ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलो, जिसमें पेड और पेबल जो पे हो चुका है वो, जो पे करना है वो, दोनों शामिल होते हैं। इसमें पहला पॉइंट है सप्लायर और रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड, कि सप्लायर और रिसिपिएंट आपस में अलग होते हैं, दोनों रिलेटेड नहीं होते। प्राइस इज सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। सप्लाई के टाइम पे प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन होता है, मतलब कोई एक पर्सन जो है वो प्राइस को डिटरमाइन करता है, दूसरा नहीं करता। 15-2 की बात कर रहे हैं, अभी हम 15-2 पे आ गए। इंक्लूजन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूज हैं, पहली चीज़ है टैक्सेस, एनी टैक्सेस, किसी भी तरह का ड्यूटीज, सेस, फीस या सरचार्ज वगैरह। दूसरा है पेमेंट टू थर्ड पार्टी बाय द रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। सप्लायर के बिहाफ पे थर्ड पार्टी को रिसिपिएंट ने पेमेंट कर दी, मतलब ए बी सी तीन पर्सन है, ए बी सी, ए हमारा सप्लायर है, बी रिसिपिएंट है, यह है थर्ड पार्टी। ए है सप्लायर, तो सप्लायर के बिहाफ पे बी ने ए के बिहाफ पे पेमेंट सी को कर दी। ए को सी को देने थे पैसे कुछ, बट ए ने सी को नहीं दिए, ए के बिहाफ पे बी ने जो है सी को पैसे दे दिए ये बोल के कि ये पैसे ए के हैं, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है आगे उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी डिले पेमेंट और कोई भी कंसिडरेशन जो होगा उसके पैसे पे करने होंगे, चार्जेस वगैरह पे होंगे उसके, ठीक है। ई पॉइंट है सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइसेस। सब्सिडी जो है वो डायरेक्टली लिंक होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी प्रोवाइड करेगी सब्सिडी वो इसके बाद लिंक होगी। सेक्शन नंबर 15-3। अब हम सेक्शन नंबर 15 क्लॉज 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा है एक्सक्लूजन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई।
वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूजन फ्रॉम, ठीक है। अब देखो एक्सक्लूजन फ्रॉम में लिखा है टाइम ऑफ गिविंग डिस्काउंट, डिस्काउंट कब मिलता है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, या तो टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पर हो या तो बिफोर हो, उससे पहले हो, ठीक है। इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इन सच डिस्काउंट हैज़ बिन रिकॉर्डेड, इसका डिस्काउंट जो है वो इनवॉइस में रिकॉर्ड कर दिया जाता है सप्लाई के टाइम पर, ठीक है। अगर मान लो पहले ही किसी चीज़ ने, किसी से आपने डिस्काउंट ले लिया, बाद में उसकी कोई भी पर्ची वगैरह बन रही है तो वो मेंशन कर देगा, लिख देगा उस पर कि फलाना बंदे ने मुझसे इतने रुपए इतनी तारीख से ले लिए थे, ठीक है। इट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई से वो पैसा हट जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा अगला पॉइंट है डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई, सप्लाई के बाद का डिस्काउंट मिलना, इस इफ सच ए गिवन एज ए एग्रीमेंट विच एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड स्पेसिफिकली लिंक्ड टू रिलेवेंट इनवॉइसेस, जितने भी रिलेवेंट इनवॉइसेस वगैरह होते हैं टाइम ऑफ सप्लाई एक एग्रीमेंट की तरह वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ डिस्काउंट, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे होती है अगर केस डिस्काउंट का हो, डिस्काउंट इंक्लूड बाय मोर सेव मोर ऑफर, डिस्काउंट का मतलब होता है बाय मोर मतलब ज़्यादा खरीदना और ज़्यादा बचाना, एक तरह से ये ऑफर का नाम रखा है इन्होंने। तो इसमें कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, पहला पॉइंट है सप्लायर ऑफर स्ट्रेटेज्ड डिस्काउंट टू हिज कस्टमर, जो सप्लायर है वो क्या करेगा अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देगा इंक्रीज करके, क्यों, क्योंकि वो खरीदें चीज़ों को। दूसरा पॉइंट है सच डिस्काउंट आर एक्सक्लूडेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो जो डिस्काउंट दे रहा है वो डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड करके रखे जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल गेट 10% डिस्काउंट ऑफ परचेज अबव 5000, जैसे लिखा है 5000 की कीमत पे कुछ खरीदा तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट लिखा है 20% का डिस्काउंट मिलता है अगर आपने 10,000 से ऊपर की कीमत का कुछ खरीदा। ऐसे ही लिखा है डिस्काउंट ऑन परचेज अबव 20,000, अगर 20,000 का कुछ खरीदा तो 30% का डिस्काउंट। सच डिस्काउंट आर शोज इन द इनवॉइस इटसेल्फ, और ये जो डिस्काउंट है ये इनवॉइस के अंदर शो करते हैं, अगर इनकी कीमत 20,000 रुपये है इसमें से 30% डिस्काउंट लेस करके चीज़ों को बेचा जाएगा। सेकेंडरी डिस्काउंट, सेकेंडरी डिस्काउंट क्या है, दीज आर द डिस्काउंट विच आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ये वो डिस्काउंट है जो टाइम ऑफ सप्लाई पर एट द टाइम पे मतलब नहीं बनता, ठीक है, और ऑफर्ड आफ्टर सप्लाई, और ये डिस्काउंट सप्लाई के बाद ऑफर किया जाता है, एट द टाइम नहीं होता, बाद में ऑफर किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने कुछ पैकेट्स बिस्किट के खरीदे थे 10 रुपये पर पैकेट मार्केट्स में, जिसकी कीमत थी 9 रुपये की, सप्लाई पर उसको डिस्काउंट मिला, मतलब 1 रुपये का डिस्काउंट मिला, बट डिस्काउंट कब है, जब वो खरीदेगा चीज़ों को, अगर वो चीज़ें इशू करा के छोड़ देता नहीं खरीदता तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। डिस्काउंट कब मिलेगा, जब वो डिस्काउंट ऑफर के बाद, ऑफर जब ले लेगा, ठीक है। रूल्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन मतलब होता है आंकलन करना, आंकलन करना चाहे वो सप्लाई हो, सप्लाई गुड्स ऑफ सर्विसेज हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है। तो रूल नंबर 27 कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वर द कंसिडरेशन इट इज नॉट होली इन मनी, पूरी तरह से हम पैसों में इसको कन्वर्ट करके माप नहीं सकते, आकलन नहीं कर सकते, क्यों, इसके कुछ कारण हो सकते हैं। वेयर द सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज इज फॉर ए कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, जैसे कि कोई भी आपने शेयर लिया, उस शेयर का प्राइस जो है वो कब आपको मिलेगा, जब आप उसको बेचोगे, बट आप अगर बेच नहीं रहे तो मार्केट में जो प्राइस है वही प्राइस आपके शेयर का भी रहेगा, वैल्यू इंक्रीज तो हो रही है बट पैसों में नहीं, उस शेयर की एक कीमत में, ठीक है। जब उसको बेचोगे तब आपको वो रिवील होगी, वो कीमत जो है वो आएगी, ठीक है। अगला पॉइंट है इफ़ द ओपन मार्केट वैल्यू इज़ नॉट अवेलेबल अंडर क्लॉज ए, क्लॉज ए कहता है अगर ओपन मार्केट की कीमत रिवील ना हो, मतलब कि नॉट अवेलेबल, अवेलेबल ही नहीं है, बट द सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इज मनी एंड
एनी सच फर्दर अमाउंट इन मनी एज इन इक्विलेंट टू द कंसीडरेशन नॉट इन मनी। जो बाकी अमाउंट है इसके अलावा वो पूरा का पूरा कंसीडरेशन मनी के रूप में नहीं होता। इफ़ सच अमाउंट नोन एज द टाइम ऑफ सप्लाई, और वो जो टाइम है वो टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमाइनेबल अंडर क्लॉज ए, अगर कोई वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो डिटरमाइन नहीं होती क्लॉज ए या क्लॉज बी के अंदर, तो वो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है चाहे वो गुड्स की हो या फिर वो सर्विसेज की हो या फिर वो दोनों की हो, ये एक तरह की काइंड और क्वालिटी वाली वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगी, काइंड एंड क्वालिटी केस की। नाउ वी डिस्कस रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन डिस्ट्रिक्ट और रिलेटेड पर्सन। ये पूरी की पूरी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है गुड्स सर्विस या किसी की भी हो, ये पूरी की पूरी और रिलेटेड पर्सन के पास बीच में होनी चाहिए। अदर देन थ्रू एन एजेंट, एक एजेंट से ज़्यादा जो बिलीवेबल होते हैं वो और रिलेटेड पर्सन होते हैं। ठीक है, रूल नंबर 29, वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट। जब कोई भी वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स या सर्विस की एजेंट के थ्रू आपको मिले, ठीक है, तो दो पॉइंट होते हैं, बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स बीइंग सप्लाइड, ओपन मार्केट्स के गुड्स सप्लाई हो सकते हैं उस टाइम पे ऑप्शन ऑफ द सप्लायर के तौर पे। 90% ऑफ प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रिसिपिएंट टू हिज कस्टमर। 90% देखा जाता है कि जो प्राइस चार्ज करते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स पे वो एक तरह की काइंड क्वालिटी होती है, रिसिपिएंट कस्टमर्स जो होते हैं उनके बिलीफ पर होता है। वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमाइनिंग, अगर सप्लाई की वैल्यू डिटरमाइन नहीं होती तो इसमें केस में हमें रूल नंबर 30 और रूल नंबर 31 का इस्तेमाल करना चाहिए। रूल नंबर 30 और 31 क्या है, रूल जो 31 और 30 है वो ये है, नीचे आपको लिखा है, रूल 30 कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ ऑन कॉस्ट, कि जो भी वैल्यू होगी गुड्स और सर्विस की सप्लाई के टाइम पे उसकी कीमत उसी टाइम पर लेनी है। ठीक है, और रूल नंबर 31 क्या कहता है, रूल नंबर 31 कहता है कि रेजिडुअल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई और गुड्स, कि रेजिडुअल मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए गुड्स एंड वैल्यू सर्विस की सप्लाई के लिए ये दोनों के टाइम पे। रूल नंबर 31A की बात कर रहे हैं ना कि 31 की। 31A कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, अगर ये लॉटरी का केस होता समझो या कोई बेटिंग का केस होता, बेटिंग मतलब होता है, बेटिंग मतलब होता है कि पैसे लगाना सट्टा खेलना, तो इस तरह से बेटिंग, ठीक है, बेटिंग गैम्बलिंग या हॉर्स राइडिंग होता। आगे लिखा है एनीथिंग कंटेंट इन द प्रोविजन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं अलग अलग वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई स्पेसिफिक बिलो, और हर एक प्रोविजन में अलग अलग तरह की स्पेसिफाइड सप्लाईज को डिनोट किया गया है, मैनर वाइज प्रोवाइड करी गई है। वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर लॉटरी के केसेस में होता तो इसकी फेस वैल्यू जो है टिकट की वो नॉट ऑफिशियल नोटिफाइड नहीं होती। ठीक है, डिटरमाइनिंग ऑफ वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाईज कंटेन इट इज द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, द वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई स्पेसिफाइड बिलो शैल एट द ओपिनियन ऑफ ए सप्लायर बी डिटरमाइन द मैनर प्रोवाइड हेयर इन आफ्टर। दूसरा जो पॉइंट है वो सेम वैसा ही है जैसे ऊपर आपको लिखा हुआ था। रूल नंबर 33 रूल नंबर 33 लिखा है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ प्योर एजेंट, वैल्यू ऑफ सर्विसेज या किसी भी गुड्स की वो एक तरह से प्योर एजेंट के केस तक होनी चाहिए। आगे लिखा है द एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इनकर्ड बाय ए सप्लायर एज ए प्योर एजेंट, किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर मतलब कि कोई भी तरह का खर्चा जो होगा, तो जिस भी तरह का खर्चा होगा सप्लायर की तरफ से, इसमें लिखा है रिसिपिएंट जो है वो सप्लाई जो कर रहा है वो इसको एक्सक्लूड करके रखेगा, जो भी सप्लाई करेगा रिसिपिएंट
किसी भी तरह का, वो उसको एक्सक्लूड करके रखेगा और इसमें कुछ स्पेसिफाइड सेटिस्फाइड कंडीशंस वगैरह फुलफिल करेगा। यहाँ पे लिखा था सप्लायर एक्ट एज ए प्योर एजेंट, जो सप्लायर होगा वो एक तरह का एक्ट करेगा जैसे कि कोई भी तरह का प्योर एजेंट है, ठीक है। व्हेन ही मेक्स द पेमेंट टू द थर्ड पार्टी, जब थर्ड पार्टी को पेमेंट हो जाएगी तब ऑथराइजेशन जो होंगे वो रिसिपिएंट वगैरह को उसकी पेमेंट करेंगे। द पेमेंट मेड बाय द प्योर एजेंट, जो प्योर एजेंट द्वारा पेमेंट हो रही है बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, रिसिपिएंट के बिहाफ पे, वो सेपरेटली दिखानी पड़ेगी। इंडिकेट, यहाँ पे लिखा है इनवॉइसेस इशूड बाय द प्योर एजेंट टू द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, सप्लाई प्रोसीजर्स बाय द प्योर एजेंट फ्रॉम द थर्ड पार्टी एज अ प्योर एजेंट ऑफ ए रिसिपिएंट of supply are in addition to a service he supplies on his account. Rule number 34 है। Rule number 34 क्या कहता है? Rate of change of currency. Rate of change of currency. जब currency की जो demand है वो ऊपर या नीचे गिरती है, अदर दैन इंडियन रुपीज़, इंडियन रुपीज़ के अलावा, फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ वैल्यू, वैल्यू डिटरमाइन कैसे होगी? द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स शैल बी एप्लीकेबल, ये देखा जाएगा कि टैक्सेबल गुड्स उस पर एप्लीकेबल है या नहीं है। रेट ऑफ चेंज आर नोटिफाइड बाय द बोर्ड, रेट ऑफ चेंज जो है वो बोर्ड द्वारा नोटिफाइड करे जाएंगे, जिसमें सेशन नंबर 14 के अंदर कुछ कस्टम एक्ट 1962 में बताया गया है। डेट ऑफ टाइम और सप्लाई जो है उसमें मेंशन होगी, गुड्स के टर्म्स मेंशन होंगे और सेशन मेंशन होगा सेक्शन नंबर 12। द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, की जो टैक्सेबल सर्विस है उसका जो एक्सचेंज रेट है वो एप्लीकेबल होगा। एंड रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइनिंग एज पर द जनरली एक्सपेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, कोई भी डेट ऑफ सप्लाई है या कोई भी सर्विसेज है, सेक्शन नंबर 33 में जो पूरी हो रही है वो इसमें मेंशन होगी। रूल नंबर 35 दिया हुआ है वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्सेस, सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस और यूनियन टेरिटरी टैक्सेस, वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इंक्लूसिव ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्सेस एज द सच केस ऑफ सेंट्रल टैक्सेस यूनियन स्टेटरी टैक्सेस द टैक्स अमाउंट शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग ऑफ मैनर नेमली। अब देखो यहाँ पे लिखा है वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव, जिसके अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूसिव है मतलब कि शामिल होंगी, जैसे कि टैक्सेस लगना स्टेट यूनियन टेरिटरी वगैरह के, टैक्सेस अमाउंट जो है इसके नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें लिखा है वैल्यू ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एक्स, एक्स का रेट कोई भी हो सकता है जो IGST वगैरह है, तो CGST, SGST, UGST जिसको डिवाइड करेंगे 100 प्लस में सम ऑफ टैक्स रेट एज एप्लीकेबल, जो भी परसेंटेज में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। रूल नंबर 27 है कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी, पूरी तरह से जो है वो पूरी तरह से पैसों में मतलब कि रुपए में जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा, और जब ऐसी वैल्यू होती है तब होती है ओपन मार्केट वैल्यू, टोटल कंसिडरेशन मनी प्लस में अमाउंट इक्वल टू द कंसिडरेशन नॉट इन मनी, जो भी अमाउंट है पूरा का पूरा टोटल, सॉरी भाई पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है भाई, थोड़ा सा शोर शराबा है तो उसको थोड़ा इग्नोर करना प्लीज़। आगे लिखा है अमाउंट इक्वल टू द कंसिडरेशन नॉट इन मनी। थर्ड पॉइंट है वैल्यू ऑफ सप्लाईज फॉर लाइक काइंड एंड क्वालिटी, मतलब कि अच्छी सप्लाई क्वालिटी वाली सप्लाईज होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट है यहाँ पे कंसिडरेशन इन मनी प्लस में मनी वैल्यू नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन कंप्यूट, नॉन मॉनेटरी बोला है पैसों में नहीं होना चाहिए, रूल नंबर 30 और 31 में जो जो शामिल है वो इसमें इंक्लूड होना चाहिए। रूल 28 क्या कहता है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड द अदर एजेंट, कोई भी रिलेटेड पर्सन और अदर एजेंट के बीच में जो सप्लाई होगी ओपन मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो काइंडली क्वालिटी होनी चाहिए और दोनों रूल्स फुलफिल होने चाहिए, 30 और 31 रूल। और लास्ट में लिख दिया है रिसिपिएंट एलिजिबल फॉर ITC इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए वो रिसिपिएंट एलिजिबल होगा, इनवॉइस वैल्यू होनी चाहिए ओपन मार्केट वैल्यू में टैक्सेबल वैल्यूज की शो हो। एक पॉइंट रह गया बीच में फोर्थ,
इसमें लिखा है कि वैल्यू जो है वो 90% प्राइसेस चार्ज बाय रिसिपिएंट ऑफ इट्स अनरिलेटेड कस्टमर की 90% टैक्सेस जो है प्राइस के चार्ज किए जाने चाहिए कम से कम, ठीक है। रूल नंबर 29 लिखा है सप्लाई मेड रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट, कोई भी सप्लाई करी जाएगी या कोई भी सप्लाई दी जाएगी तो वो रूल नंबर 29 के अकॉर्डिंग कहता है ओपन मार्केट में वैल्यू 90% होनी चाहिए, चार्ज होनी चाहिए रिसिपिएंट पे, कोई भी रिसिपिएंट होगा, और रूल 30 और 31 जो है उस पर फॉलो होगा। रूल 30 कहता है वैल्यू बेस्ड ऑन कॉस्ट, कि वैल्यू जो है वो कॉस्ट पर बेस्ड होगी। रूल 31 कहता है रिजिडुअल मेथड बेस्ड होनी चाहिए, मतलब कि जजमेंट मेथड होगा, जजमेंट मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक सप्लाईज, कुछ स्पेसिफिक सप्लाईज को अलग अलग तरह के वैल्यू से नोटिफाइड किया गया है। आप यहाँ पे देखोगे कि परचेज और सेल जो है फॉरेन कंट्रीज़ की, इसमें लिखा है मेथड वैल्यू जो है बाइंग एंड सेलिंग रेट लिखा है आरबीआई रेफरेंस एट दैट टाइम, जब आरबीआई उनको अच्छे से चेक कर लेगा। और नीचे भी एक टेबल बनी हुई है जिसमें लिखा है करेंसी अप टू 1 लाख, 1 लाख से ऊपर की करेंसी होनी चाहिए, फ्रॉम 1 लाख 1 से लेकर यहाँ पे लिखा है 10 लाख तक, और लास्ट में लिखा है 10 लाख 1 से लेकर ऊपर की होनी चाहिए। अगर वो अप टू 1 लाख है तो उसकी वैल्यू 1% होगी, 250 हाइयर होता जाएगा उसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पे लिखा है रुपये 1000 लगेगी और 0.5% का उस पर क्या लगेगा वैल्यू टैक्स। फिर लास्ट में लिखा है 5500 से अगर ऊपर की जाती जाएगी तो 0.1% टैक्स लगेगा, और जो कि मैक्सिमम जो है वो 60,000 तक जाएगा। बुक्स ऑफ टिकटिंग ऑफ एयर ट्रैवलिंग एजेंट, 5% बेसिक फेयर होगा, डोमेस्टिक ब्रोकिंग वगैरह होगा 10%। तो इसके बगल में कुछ नीचे सप्लाई दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है रूल नंबर 34, रूल नंबर 33 एंड रूल नंबर 35, तीन रूल दिए हैं। 33 में लिखा है सप्लाई एज ए प्योर एजेंट, 34 में लिखा है रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन ऑफ वैल्यू, वैल्यू की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए रेट ऑफ एक्सचेंज होगा, ठीक है। उसके अंदर आएंगे दो चीज़ें, एक गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों का रेट एक्सचेंज करने के लिए अलग अलग तरह से वैल्यू डिटरमाइन होगी। 35 जो है जिसमें लिखा है वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, इंक्लूसिव टैक्स की वैल्यू, और यहाँ पर आपका चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। आई होप वीडियो में कुछ हेल्पफुल लगा हो, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। इसके बाद के चैप्टर्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, लिंक सारे एक एक करके लाइन से वीडियोस को वॉच कर सकते हो। जिनको भी नोट्स परचेज करने हैं वो नोट्स के लिए मैसेज कर सकता है, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है मेरा नीचे जो नंबर है, ये नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके नोट्स की पीडीएफ की कॉपी बाय कर सकते हो इजीली मिनिमम अमाउंट पे करके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, कीप वॉचिंग, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा।